ये था मेरा आज का ब्लॉग। वर्कआउट मैंने कर लिया तो बारी है गैस साफ करने की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप, चलिए आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अभी टाइम हो रहा है जी सुबह के 11 बजे हैं यहाँ पे रशिया में, और इंडिया में शायद ढाई घंटे का फर्क है तो 1:30 बज गया होगा। तो अभी मैं सोकर उठा ही हूँ और अभी सबसे पहले मुझे जाना है दुकान पे। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं और मैं अभी सोकर उठा हूँ, और इंडिया में शायद 1:30 बज गया होगा क्योंकि ढाई घंटे का फर्क है रशिया और इंडिया के टाइमिंग का। तो अभी मुझे बनानी है सुबह की चाय, पर मैंने फ्रिज खोल कर देखा तो दूध नहीं था उसमें, क्योंकि कल सारा जूस कर लिया था। तो अभी मैं जाता हूँ शॉप पर और दूध लेके आता हूँ, फिर चाय बनाते हैं और थोड़ी बहुत सब्जियां और लानी है वो लेके आते हैं, और बाद में बताता हूँ मैं आज क्या करूंगा फुल डे घर पे बाहर जाने से पहले, क्योंकि जरूरी है कि जैकेट पहननी, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, -3-4 डिग्री टेम्परेचर है। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, 2-4 दिन पहले बहुत ही ज्यादा था, -10-12 तक पहुंच गया था, अब फिर से प्लस में आ गया है और बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, और फिर देखो अब कब स्नोफॉल होती है, नए साल पे होती है या नहीं। तो अभी चलते हैं बाहर। तो चलो जी चलते हैं बाहर, पर चाबी कहाँ है मेरी? हाँ, चाबी मेरी जेब में ही है। तो ठंड वाकई में बाहर बहुत है, देख रहे हो ये सारी बर्फ है स्पेस पे, सारी इकट्ठी करके एक साइड में कर दी है, और जब स्नोफॉल होती है तो ये सारा स्पेस ही स्पेस हो जाता है, गाड़ियां नहीं चल पाती रोड पे, और उनको रोज फिर सफाई करनी पड़ती है, अदरवाइज सब कुछ मतलब एक जो चीज़ यहाँ पे खड़ी है वहीं पे रह जाएगी, और वो रोज ये रोडों को साफ करते हैं, और आज देखो रोडें बिल्कुल क्लीन हो गई। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि अभी टेम्परेचर है -3-4। तो हमारे घर के पीछे ये कितना बढ़िया चर्च बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया लगता है, इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाते हैं यहाँ पे ना, जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो चर्च हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन होता है इनका, सारे चर्च बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं। और मुझे जाना है जो गली से सीधे रोड क्रॉस करके दूसरी साइड, वहीं पर शॉप है, और वहाँ से ले करते हैं सामान और आपको भी दिखाते हैं रशिया की दुकानें। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने रोड क्रॉस करनी है ना तो आप ऐसे कर सकते हो, अपने इंडिया में तो सीधे गाड़ी चढ़ा देंगे ऊपर, ये रुक जाते हैं, मतलब ऐसे कोई रोड क्रॉस करता है ना गाड़ी रोक लेते हैं। सो दुकान पे मैं आ चुका हूँ डिक्सी पे, और जहाँ से लेते हैं अपना सामान। को लेनी है सब्जियां और दूध, सब्जी लगी है इधर, यहाँ पे लगे हैं फ्रूट और सब्जियां, अपने को लेना है प्याज, टमाटर, लहसुन, सो अपन लेते हैं फिर चलते हैं दूध की साइड में और दूध लेते हैं। सो अगर मैं आपको इस यहाँ पे प्राइस चेक कराऊँ तो प्राइस बताता हूँ कितना है, टमाटर का प्राइस है रशिया में 219 रुपये का, और ये दूसरे टमाटर लोग 84 रुपये के हैं, और ये है प्याज 30 रुपये किलो प्याज है यहाँ पे, और ये गाजर है मिट्टी वाली 18 रुपये किलो, ठीक है, आलू है 40 रुपये किलो, और ये वाली गाजर है 50 रुपये किलो, और ऐसे ही यहाँ पे सेब लगे हुए हैं, नींबू हैं, नींबू 90 रुपये किलो, मतलब इतना प्राइस का डिफरेंस है अपने इंडिया और यहाँ पे, और मेरे को पता नहीं है अभी इंडिया में कितना प्राइस चल रहा है अभी। सो सब्जियां मैंने ले ली थी, अब बारी है दूध लेने की, चलो दूध लेते हैं। ये रहा जी दूध, सो ये रहे सारे बिस्किट, अपन लेते हैं यहाँ से कुछ खाने के लिए, चाय के साथ खाएंगे, अपन ले लेते हैं केक, अब चलते हैं जाके घर पे और बनाते हैं अभी चाय। तो सामान जो मैंने लेना था वो ले लिया है, आज पहली बार हुआ है कि बिना चाय के मैं सो उठाऊँ और सीधा दुकान पे आया हूँ, और वरना मैं तो सोता ही रहता, मतलब फिर मैंने सोचा नहीं सोना नहीं, आज ब्लॉग बनाना है पूरा, मतलब पूरा डेली रूटीन कि आज मैं पूरा दिन क्या करूँगा, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं आज ब्लॉग बनाना है।
तो अभी चलते हैं घर पे और आगे का ब्लॉग बनाते हैं, मतलब आज क्या करेंगे। तो घर पे मैं आ चुका हूँ, अभी बनाते हैं चाय, क्योंकि बिना चाय के बिना मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह ही नहीं हुई। जल्दी चाय बनाते हैं और उसके बाद चलते हैं जिम, और जिम आने के बाद अपने करनी है पूरी घर की सफाई। तो आज सफाई करते हैं पूरे घर की, क्योंकि एक हॉलीडे, जब भी हॉलीडे होता है तो उसी दिन सफाई करते हैं। और मेरा हॉलीडे है तो मैंने सोचा पूरे घर की सफाई करेंगे। तो पहले चाय पीते हैं, फिर जिम जाएंगे, और जिम जाने के बाद आकर सफाई करेंगे। तो अभी मैं जाने वाला हूँ जिम। जिम मेरे घर के पास में ही है, और अभी 4:30 बजे हैं और कैसे अंधेरा हो गया है यहाँ पे। मतलब जब से सर्दियाँ आई हैं, मैं 3-4 महीने हो गए सूरज नहीं निकला, और 3 बजे मतलब दिन खत्म हो जाता है। सो जिम में मैं आ चुका हूँ। ये जिम का स्विमिंग पूल ये पूरा, और इधर कार्डियो सेक्शन है और उधर वेट ट्रेनिंग है। तो जिम में मैं आ चुका हूँ लॉकर रूम में, और लॉकर रूम में अपना बैग और जैकेट रखते हैं और फिर चलते हैं वेट ट्रेनिंग की तरफ। आज मेरा प्लान है कि मैं आज करूँगा आर्म्स का वर्कआउट, बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन करूँगा। सो जल्दी जल्दी इसको रखते हैं और चलते हैं वेट ट्रेनिंग। सो ऐसे जिम में लॉकर रूम बने हैं अपना अपना सामान रखने के लिए। मेरा ये है, और ऐसा ये बटन है, उस पर लगाओ तो खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है। इतने सारे लॉकर रूम है जिम में। इधर ये स्विमिंग पूल है, और अपन चलते हैं सीधा वेट ट्रेनिंग की तरफ। तो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा कार्डियो से, 5-10 मिनट कार्डियो करते हैं, और उसके बाद थोड़ा अपन बॉडी ठीक हो जाएगी, और उसके बाद चलेंगे अपन वेट ट्रेनिंग की तरफ। तो ऑलरेडी अपने अपना हाफ वर्कआउट तो कंप्लीट कर लिया है, 10-15 मिनट का हो रह गया, वो भी जल्दी जल्दी करते हैं और फिर चलते हैं घर पे। देखो कैसे पंप आ गया पूरा, बाइसेप ट्राइसेप दोनों का एक साथ किया तो कितना बढ़िया रिजल्ट आया। देखो तो घर पे मैं आ चुका हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि रशिया में ज़्यादातर घर लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि नीचे भी लकड़ी लगाई होती है, और ये दीवारें हैं ना जो, ये भी लकड़ी की होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है, तो इसलिए ये लकड़ी है जो हीटरों के साथ जल्दी गर्म हो जाती है। सो वैक्यूम मैं ले आया हूँ, अब इसको लगाते हैं इसकी तार और करते हैं सफाई चालू। निकले यहाँ, सो अभी इसकी तार लगाते हैं यहाँ पे और अपन करते हैं सफाई चालू। पहले इसको हटा लेते हैं और फिर अच्छे से पूरी सफाई करते हैं, और फिर इसको बिछाएंगे साफ करके। ये रूम तो हो गया है साफ पूरा। देखो अब ऐसे ही करने हैं दूसरे रूम साफ, और बाद में करनी है किचन, क्योंकि किचन का गैस काफ़ी गंदा है, वो करने वाला है, करके फिर खाना खाते हैं। सो रूम सारे मैंने साफ कर दिए हैं, बारी है किचन की। किचन का देखो गैस कितना गंदा है, ये करना है, और नीचे से फ्लोर इसको भी वैक्यूम करते हैं, और अपना काम फिनिश आज का। सो चलिए जल्दी जल्दी इसको निपटा दें। पहले थोड़े से बर्तन हैं ये साफ कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं गैस साफ। और बात की जाए वैसे रशिया में
कितना महंगा है यूरोप के मुकाबले, तो ज़्यादा नहीं है, मतलब अच्छे से आप रह सकते हैं यहाँ पे। मतलब इंडिया से थोड़ा महंगा, इंडिया पाकिस्तान अपने बांग्लादेश से थोड़ा महंगा, वैसे यूरोप से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सब्जियाँ और दूसरी चीज़ें हैं वो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट होती हैं, तो इसलिए वो थोड़ी महंगी मिलती हैं। और अदरवाइज जो यहाँ पे जो बनता है वो थोड़ा सस्ता है, जैसे गैस बहुत सस्ती है यहाँ पे। हमारा गैस महीने का बिल आता है करीबन 100 रुपये एक लेरी, पूरा महीना चलाओ गैस चलाओ 100 रुपया बिल आता है, और डीजल पेट्रोल आपको बताइए सस्ता है। तो बारी आई गैस साफ करने की, ज़्यादा गंदा नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही गंदा है, क्योंकि कल रात को दाल बनाई थी वो ओवरफ्लो हो गई, तो इससे थोड़ा गंदा हो गया। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।